लोकसभा स्तरीय पंचायत ग्राम प्रभारियों का सम्मेलन है और ये सम्मेलन हर पंचायत से चुने हुए आंसू पार्टी के एक तरह से प्रतिनिधि लोग का ही सम्मेलन है। इसमें हम लोग का पार्टी के सुप्रीमो माननीय सुदेश महतो जी हम लोग के बीच में हजारी लोकसभा के कार्यक्रम में आने का काम किए हैं, हम लोग को उत्साह बढ़ाने के लिए। इसके लिए मैं तहे दिल से हजारीबाग के ओर से इनका झारखंडी जोहार और नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हम लोग को उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे हजारीबाग लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम में है। साथ में हम लोग के गार्जियन सा रामगढ़ के जिला महानायक गिरिडीह के सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी और मंच में जितने भी है सबको हाथ जोड़कर एक बार झारखंडी जोहार करते हैं। क्योंकि समय का हम लोग को जिनका संबोधन सुनना है उनका बात हम लोग यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। और अभी हमारे दीदी गाना भी गा रहे थे कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। हमको लगता है कि जब से आंसू और बीजेपी पूरे झारखंड में जब चुनाव लड़ा है, चाहे लोकसभा को या विधानसभा को जगह पे, हम लोग पिछले लोकसभा में भी हम लोग चुनाव लड़े थे, साथ में 14 में 12 सीट जीतने का काम किए थे। और उससे पहले झारखंड में दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे तो सरकार बनाने के लिए हम लोग 45 सीट लाए थे और सरकार बना के हम लोग रघुवर दास को सुदेश महतो जी के नेतृत्व में सरकार बना के हम लोग देने का भी काम किए थे। उसी तरह हजारीबाग लोकसभा का 20 तारीख का चुनाव है और अभी हम लोग बाहर में थे तो बड़का गांव के हमारे प्रखंड अध्यक्ष या नेता बोल रहे थे कि 30 साल से बड़का गांव में एक ही परिवार का लोग राज कर रहे हैं 15 साल से, लेकिन आप लोग यहाँ पे मांडू के भी हर प्रखंड के लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोग तो 15 साल एक एक आदमी को देख रहे हैं लेकिन हम लोग तो 50 साल से एक आदमी को झेलने का काम कर रहे हैं। पूरा मांडू विधानसभा जो अभी कभी जेएमएम में चल जाता है, कभी कांग्रेस में चल जाता है, कभी बीजेपी में चल जाता है और फिर अभी दूसरा दल में आ चुका है। आदमी एक है, बोला जाता है कि किसी का जो आपका जो आदमी रहता है उसका नियत वही रहता है, सिर्फ चेहरा चेंज हो रहा है। तो चेहरा जो चेंज हो रहा है, अभी हमारे नेताजी माननीय सुदेश महतो जी आए हुए हैं, हम लोग का तो आदेश कभी मिल चुका है और लगातार हम लोग मनीष जी के साथ जो यहाँ का स्थानीय विधायक है उनके साथ हर कार्यक्रम में डोर टू डोर चलने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी वाला लोग साथ में भी चल रहा है लेकिन जब बीजेपी और आंसू का कार्यक्रम होता है तो हमेशा बीजेपी आंसू के लोग बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलता है। हर जगह पे हमको लगता है कि बीजेपी के लोग 19 रहता है तो 20 आंसू के लोग हर जगह कार्यक्रम में रहने का काम करता है। और इसका उदाहरण खुद जो हमारे सांसद जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद देख चुके हैं कि हजारीबाग जब तक आंसू पार्टी, चाहे हमारे जयंत सिन्हा जी भी चुनाव लड़े थे तो आंसू के लोग पूरा तन मन धन से मदद करने का काम किया था। अभी हम एक छोटा सा बात रख के अपना बात को समाप्त करेंगे। पिछले बार हम लोग लोकसभा चुनाव जिताने का काम किए, उससे पहले भी दो बार विधानसभा में हम लोग मांडू में मदद लोग का काम
देने का काम किया, लेकिन एक भी जब चुनाव जीतते हैं तो 1% भी ना हम लोग का कहीं पर प्रतिनिधि रहता है, ना सांसद जो बनता है या विधायक बनता है हम लोग को पहचानने से भी इनकार करता है या फोन उठाने से भी इनकार करता है। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोकसभा का या विधानसभा का, हम लोग का इस क्षेत्र में 6 विधानसभा है हजारीबाग जिला में, 5 लोकसभा में जिला में 6 है, 5 लोकसभा में जिला में 6 है, जिसमें 1 विधानसभा हम लोग का बरकट्ठा कोडरमा लोकसभा में पड़ता है और हम लोग 5 हजारीबाग लोकसभा में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ बरकट्ठा के भी लोग आए हैं। हम लोग चाहेंगे कि जिला में हम लोग का भी वोट, तो हम लोग रात दिन एक करके, हमको लगता है जब से घोषणा हुआ है 6 बजे हम लोग उठते हैं और 1 से 2 बजे रात तक हम लोग चुनाव प्रचार में रहते हैं और हजारीबाग में हमको लगता है सबसे रिकॉर्ड वोट से जीतने का काम करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना बात को समाप्त करते हैं। सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय आंसू पार्टी, धन्यवाद।